हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाने के क्रम में ये दूसरा वीडियो है, और ये दूसरा वीडियो इसमें हम सीखेंगे कि बटन्स वगैरह कैसे बना सकते हैं और ग्रीड लाइन इस पे लगानी है हमें। जैसे जो हमारा प्रीवियस सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया था वो कुछ इस तरह का है। अब देखिए यहाँ पर जो है, आप देख रहे हैं डेट ऑफ परचेजिंग में डेट गायब है, ये इसमें छिपता हुआ नजर आ रहा है, इसको हमें सही कर लेना है। कैसे सही करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ परचेजिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पहले यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ बाहर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये जो साइज है इसको थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, तो ये डेट ऑफ परचेजिंग पूरा पूरा शो होने लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से देख सकते हैं आप, ये सब चीजों को भी सही करना है थोड़ा थोड़ा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम, ठीक है, और ये पार्ट जो है इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और ये फुटर वाला पार्ट है। तो अब हम इसमें ग्रिड लाइन बनाएंगे, तो पूरा सिलेक्शन कर लेते हैं एक ही बार में। कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, पूरा सिलेक्शन में आ जाएगा ये, और यहाँ से हम इन सबको बोल्ड कर लेंगे। तो बोल्ड यानी कि गाढ़े में, यानी कि ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और डिज़ाइन व्यू पे लेकर के इसको फिर इसमें थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर नेम, कस्टमर नेम काफ़ी बड़ा है तो इसमें सेटिंग की जा सकती है। तो इसको बाहर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से डेट ऑफ परचेजिंग को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ये बस। और कस्टमर नेम, अब यहाँ सीरियल नंबर थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो यहाँ से सीरियल नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे ग्रीड लाइन्स बनानी है। तो यहाँ आपको ग्रीड लाइन वाला दिख रहा होगा, अब आप पूरा सिलेक्शन में लीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, पूरा सिलेक्शन में ले लिया। अब यहाँ पर ग्रीड लाइन बनानी है, तो यहाँ ग्रीड लाइन पर जाएं और ये बोथ वाला जो ऑप्शन है इस पर आप जाके क्लिक कर दें, तो ये पूरी की पूरी ग्रीड लाइन बन जाएगी। आप देख सकते हैं अब ये ग्रीड लाइन में नजर आ रहा है, ठीक है, और हर एक चीज पूरा पूरा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये आपका जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर लगभग तैयार है। यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट जो है छिपता हुआ सा नजर आ रहा है, इसको भी हम सही कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट जो है, देखिए यहाँ पे ये जो अमाउंट है टैक्स अमाउंट के ठीक पहले, तो इसको हम सही कर लेते हैं यहाँ से। तो ये इसको यहाँ से मैं पहले प्रॉपर्टी शीट को ऑफ करता हूँ और हम चलेंगे इधर, ये हमारा है अमाउंट, ओके। तो अभी हमको सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तो ये देखिए टैक्स अमाउंट पूरा पूरा अब दिखने लगा है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये टैक्स अमाउंट हमें पूरा पूरा दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये टैक्स अमाउंट, तो ये देखिए टैक्स अमाउंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ग्रीड लाइन हमने बना दी है, और ग्रीड लाइन बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बटन्स बनाने हैं। तो बटन बनाने के लिए हमें इसे डिजाइन व्यू में लेना होगा, ये ले लिया हमने डिजाइन व्यू में। जो भी बटन बनाएंगे हम फुटर वाले पार्ट पे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेडर वाले पार्ट पर, इस हेडर वाला जो पार्ट है ये देख सकते हैं हेडर वाला पार्ट, ये हेडर का पार्ट है, ठीक है। तो हेडर वाले पार्ट या ये फुटर का पार्ट है, ठीक है। तो फुटर वाले पार्ट पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक बटन मैं क्रिएट करा लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक बटन, यहाँ पर कमांड लिखा हुआ आ रहा है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड का ये बटन क्रिएट हो जाएगा। ओके प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हमारे पास क्रिएट होकर आ गया है। इसको चाहे तो हम बोल्ड इटैलिक वगैरह वगैरह बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। चाहे तो साइज और बड़ी कर सकते हैं, फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे दूसरा बटन बनाते हैं हम, ये हमने कर लिया दूसरा बटन। तो दूसरे बटन में अब क्या करेंगे हम, ये देखिए ऐड रिकॉर्ड का बटन हम बना लेते हैं, और ये कर दिया हमने यहाँ से, और यहाँ से फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। तो ये ऐड रिकॉर्ड का भी बटन बन करके हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं इसको। अब अगला जो नेक्स्ट बटन है वो हमें कौन सा बनाना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बटन है, और ये यहाँ से लगा दिया हमने, और यहाँ पर जो भी बटन हमें और बनानी है, प्रिंट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो ये इस तरह से हमने बटन बनाए, और भी बटन हम बना सकते हैं यहाँ पे जा करके, और यहाँ पे बटन और क्रिएट करा लेते हैं हम। ये देख सकते हैं आप, क्विट एप्लीकेशन का एक बटन बना लेते हैं, यहाँ से क्विट करने के लिए, इस एप्लीकेशन से क्विट करने के लिए ये बटन काम करेगा। ये क्विट एप्लीकेशन का भी बटन हमारे पास बन गया है, आप देख सकते हैं इसको भी, और चाहे तो इसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं सेम उसी तरीके से जैसे इसके पहले हमने किया था। इसको सेलेक्ट किया
और यहाँ से इसको चेंज कर लिया और यहाँ से इसको बोल्ड बना लिया, तो ये क्विट एप्लीकेशन का बटन हो गया। इसके बाद फिर बटन पर चलते हैं और यहाँ से फिर एक और बटन बनाते हैं, और इस बार फॉर्म ऑपरेशन प्रिंट करने का भी हम बना सकते हैं, प्रिंट करंट फॉर्म। ओके, तो करंट फॉर्म को ये प्रिंट करेगा ये बटन। ओके, यहाँ से फिनिश कर देंगे, तो ये प्रिंट करने का भी बटन हमने बना दिया। इस तरीके से हमने कई सारे बटन बनाए, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेरी का भी बटन बनाना सीखेंगे। फिलहाल के लिए तो आज के लिए इतना ही मैं रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेरी का भी बटन बनाएंगे। अब देखिए, जैसे ये है नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये देखिए ये वाला जो बटन है एरो, वो सेकंड पे आ गया। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ तो ये थर्ड पे आ जाएगा, फिर करूँगा फोर्थ पे आ जाएगा। ऐड रिकॉर्ड, जैसे ही ऐड रिकॉर्ड, तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट पे आ गया। अभी मान लीजिए हम जाना चाहते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम, तो ये एरो देख रहे हैं यहाँ पर है, और जैसे ही हम ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो ये लास्ट रिकॉर्ड पे अपने आप आ जाएगा, यानी ऐड रिकॉर्ड करने वाले बटन पे ये आ जाएगा। अब अगर एप्लीकेशन से क्विट करना चाहते हैं, उसके पहले मैं प्रिंट दिखाता हूँ। प्रिंट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये प्रिंट करने को बोलेगा। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्विट एप्लीकेशन है, तो क्विट एप्लीकेशन, आप इस एप्लीकेशन से क्विट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो यस कर दीजिए और आप क्विट हो जाएंगे। इस तरीके से ये काम हम कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।